नगर निगम की कई महत्वपूर्ण बैठकें नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें गोरखपुर नगर निगम में जियो सर्वे करने वाली कंपनी के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जियो सर्वे कंपनी के 3 मेंबर सहित नगर निगम के टैक्स से जुड़े सभी कर्मचारी एवं अधिकारी और जोनल ऑफिसर, जोनल इंस्पेक्टर, अपर नगर आयुक्त मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सर्वे में 70 वार्डों में से 35 वार्डों में जियो सर्वे कंप्लीट हो चुका है तथा सर्वे कंप्लीट होने के बाद क्या क्या कमियां आ रही हैं इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर उसका नगर निगम की टीम भौतिक सत्यापन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के 5 जोनों के वसूली की समीक्षा की गई तथा वसूली की समीक्षा में कुछ लोगों का परफॉर्मेंस ठीक था और कुछ लोगों के वसूली के परफॉर्मेंस में कमी दिखाई दिया, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है। उन्होंने बताया कि रवि मौर्य नाम का कर्मचारी लंबे समय से वसूली के काम पर नहीं जा रहा था, उसको तत्काल निलंबित किया गया। उसके पश्चात नामांतरण की पत्रावली की भी समीक्षा की गई और सबको टारगेट दिया गया कि आने वाले सोमवार से अगले 10 दिनों तक एक विशेष महाअभियान नामांतरण के संबंध में चलाया जाएगा। नामांतरण के संबंध में आम जनमानस को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों को ढूंढकर तत्काल ही उनके नाम दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सभी को निर्देशित किया गया कि जहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं है वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जब सर्वे हुआ सर्वे का रिजल्ट क्या रहा वो आपने किसको बताया? सर पहले तो आरआई से नहीं मिला है, वो सर इस बुक में से मेंशन कर देते हैं और इसी बुक को सर दोबारा से हम लेके इसको सर पोर्टल से अपडेट करते हैं सर, वन बाय वन ये सर पोर्टल का अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद सर उसका आज जो है सबसे पहले जो है जीआई सर्वे जो चल रहा है गोरखपुर नगर निगम में उसकी समीक्षा की गई। जीआई सर्वे करने वाली कंपनी को बुलाया गया था, उसके सभी टीम मेंबर आए थे और सभी जो है टैक्स के जुड़े हुए हमारे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, सभी जोनल ऑफिसर, सभी जोनल सैनिटरी इंस्पेक्टर मौजूद थे, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त और हमारे एनएसएस आदि मौजूद थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीआई सर्वे जो कराया गया 70 वार्डों में से जो हमारे टोटल जो है 35 वार्ड है उसमें जीआईएस सर्वे कंप्लीट हो चुका है और फिर उनसे ये मांगा गया है कि जहां जहां जीआईएस सर्वे कंप्लीट होने के बाद क्या क्या उसमें कमियां आ रही हैं। तो बहुत सी जगह पे उन्होंने ये बताया है कि जो आवास का एरिया है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी सूची तलब की गई है और तलब करने के बाद ये कहा गया कि इसका हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे और इसके बाद जो है नियम होता है कि आरआई के साथ इसका ज्वाइंट सर्वे होगा, इसके बाद फिर आरआई के और इनके ज्वाइंट सर्वे के बाद इसको जोनल अफसर साहब चाहे इसको मौके पर देखेंगे और तदनुसार ही नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इसके पश्चात हम लोगों के द्वारा जो है वहां पर मौजूद सभी पांचों जोनों के जो वसूली की समीक्षा की गई, वसूली की समीक्षा में कुछ लोगों के जो वसूली की बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों की वसूली जो थी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, उनको कड़ी चेतावनी दी गई। एक रवि मौर्य नाम का जो अंचर था, लंबे समय से वो गैप चल रहा था, काम पे नहीं जा रहा था वसूली के, उसको तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसके पश्चात नामांतरण की पत्रावली थी, पत्रावलियों की भी समीक्षा की गई और सभी लोगों को कहा गया, टारगेट दिया गया आने वाले सोमवार से लेकर जो है अगले 10 दिनों तक का एक विशेष महाअभियान जो है नामांतरण के संबंध में चलाया जाए, जिससे कि नामांतरण के संबंध में आम जनमानस को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन तो को हम दूर करके तत्काल ही उनका नाम दर्ज करने की कार्यवाही अमल में ला सकें। तो कहने का तीनों ही जो ये आज की बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके साथ ही आज हम लोगों ने इन तीनों बैठकों से पहले एक और महत्वपूर्ण बैठक की कि हम जो इस वक्त जो अपने गोरखपुर नगर निगम के क्षेत्र में, ये कह सकते हैं कि इस पूरे नगरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये देखने में आ रहा है कि जो कोरोना का संक्रमण है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर 6 से 7 तक ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल भी अपने नगर निगम क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर्स इंस्पेक्टर की बैठक किया था। आज हम लोगों ने प्रत्येक जो अपने वार्ड में एक एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी जिसको जिनको कि हमने नोडल ऑफिसर बनाया है उनकी बैठक किया और उनको बताया गया कि आपको वहां पर जाना है और मोहल्ला निगरानी समिति जिसमें कि हमारे पार्षद जी, हमारे अन्य जो सुपरवाइजर इंस्पेक्टर आदि उस टीम में शामिल है, आशा बहुएं हैं, एएनएम है आदि लोग हैं, तो आपको देखना होगा कि जो भी हम उनको मेडिकल किट दे रहे हैं वो संबंधित जो लोग जिनमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं उन तक अवश्य पहुंच जाएं और उनकी प्रॉपर रूप से स्क्रीनिंग, वहां पर जहां भी इस प्रकार के लोग लक्षण पाए जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाए और स्क्रीनिंग होने के बाद अगर वो ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन में रहने की उनकी व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ अगर कहीं ऐसा भी लगता है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले जो पेशेंट हैं उनको खाने पीने की किसी प्रकार की दिक्कत है, खाने पीने की भी व्यवस्था पूरी तरह से करने के लिए कहा गया है कि जहां पर जरूरत पड़े लोग खाना पीना बनाने में सक्षम नहीं है तो वहां पर बना बनाया खाने का या लंच का पैकेट जो है वहां भिजवा दिया जाए और अगर कोई बनाने में दिक्कत ना हो तो जो ड्राई फ्रूट का पैकेट है उसको वहां भिजवाया जाए। इसके साथ ही साथ जो है इस बात पे नजर रखा जाए कि जहां पर पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पर सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए, चूना और मेलाथियन के घोल का वहां छिड़काव कराया जाए, एंटी लार्वा छिड़काव कराया जाए, साथ ही साथ लगातार वहां पर फॉगिंग और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो इसके साथ मेरे चारों जो बैठकें थी पूरी तरह से नगर निगम के जो महत्वपूर्ण कार्यो से उनसे जुड़ी हुई थी। साथ ही इनको ये भी बताया गया कि जहां जहां पर अलाव जो नगर निगम के द्वारा 161 जगहों में जलाया जा रहा है लेकिन बहुत से अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे की जरूरत महसूस हो रही है तो जो अभियंता विभाग की टीम है और जो हमारे सुपरवाइजरों की टीम है पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और जहां भी जरूरत लगती है तत्काल चीफ इंजीनियर साहब को, एसएन साहब को फोन करें और वहां पर भी अलाव जलवा दें जिससे कि इस भीषण ठंडे की मौसम में किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। साथ ही साथ जो है हम लोगों ने पूरे शहर में 10 जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगवा कर उसमें अपने रैन बसेरों की लोकेशन और वहां के मैनेजर का मोबाइल नंबर उसमें लिखवा दिया है जिससे कि कोई भी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर उतरता है और वहां पे बने हुए रैन बसेरे अगर पूरी तरह से फुल हो जाते हैं तो वो उनके आस पास के रैन बसेरों के बारे में वहां के मैनेजर से के बात करके वहां पर जाकर अपनी रात को कायदे से गुजारता है।